अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में रहें, हर बुरी बला से महफूज रहें। तो आज इसी दुआ के साथ आज के भी लोग का करते हैं आगाज़। तो आज मैं पका रही हूँ साग। साग मैंने अभी काटना भी है और पकाने के लिए भी रखना है, ठीक है। तोड़ तो मैं आई हूँ, तोड़ने का भी लोग मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो इसी वजह से ना मैंने तोड़ने का व्लॉग नहीं बनाया। तो मैं तोड़ आई हूँ अब, तो अब मैं काटूँगी उसको और पकाऊँगी। और ये दुआ के काम चेक करिए, एक मेरे पास पहले था शीशा और इस उसके पीछे ऐसी पड़ी शीशे के जब तक वो टूटा नहीं ना उसकी इसने जान नहीं छोड़ी। और इसका भी ये हाल हो गया अब कि ये भी टूट चुका है, अब ये भी हमने फेंक देना है। अच्छा, जो अच्छा दूसरा शीशा था ना वो जी हया ने तोड़ा था, पीछे तो पड़ी हुई थी ना देखने के, बार बार उठा उठा के देखती थी शीशे, इस वजह से शीशा तंग आ गया और वो टूट गया। इसलिए ना हम शीशा भी नहीं रखते घर में, हमारे घर शीशा भी नहीं है। ये एक है तो छोटा सा रखा हुआ था घर, आज वो भी टूट गया है। तो अब आज के बाद हमारे घर में कोई शीशा नहीं आएगा। ऐसी शक्लें बना बना के शीशे में देखती हैं, इस वजह से शीशे टूट जाते हैं। और आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब किया करें और मेरा पूरा व्लॉग देखा करें, ज़रा सब स्किप ना किया करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और आप लोग हमारी फैमिली हैं, हमारी फैमिली जैसे हैं, तो आप लोगों से नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे हम, ठीक है। और लिहा गया सो, उसको मैंने चूल्हे में डाला हुआ था तो वो सो चुकी है, तो इसी वजह से मैं अब साग बनाऊंगी। और स्नान गया हुआ है, इंजेक्शन लगवाना है क्योंकि उसको ना पाँव पे गिरा था ना, उसको चोट लगी हुई थी और उसको उसका पापा लेके गया है डॉक्टर के पास, उसको टीका लगवाएगा तो कोई मेडिसिन भी लेंगे उसकी ताकि उसका ना पाँव ठीक हो जाए। तो आप वो गए हुए हैं दवाई लेने, काफ़ी ज़्यादा उसका ज़ख्म है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से ना काफ़ी उसको ज़ख्म हुआ हुआ, दाने भी बने हुए हैं, एक ही पाँव पे हैं, एक जगह पे उसको चोट लगी हुई है, दूसरी जगह पे उसको दाने बन गए हैं और काफ़ी यानी कि रेशा भी पड़ गया। हम पायोडीन भी लगा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो आज हमने सोचा कि इसको इंजेक्शन लगवा दें, एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करवा दें कि वो क्या कहते हैं डॉक्टर, तो इसलिए लेके गए। वो तो जा भी नहीं रहा था इंजेक्शन से, बहुत ज़्यादा डरता, वो कह रहा कुछ भी नहीं होता मुझे, मैं ठीक हो जाऊँगा, पर मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना। तो उसको ज़बरदस्ती लेके गया उसका पापा, तब देखो वहाँ डॉक्टर के साथ वो क्या करता है कि वहाँ इतना बड़ा है और वो रोने स्टार्ट कर देता, पूरा हॉस्पिटल अपने सर पर उठा लेता और इतना शोर करता है कि जब इंजेक्शन की बारी आती है तो वो बहुत रोता है। तो उसका सब लोग मजाक भी बनाते हैं, वो डॉक्टर के पास ना पहले भी जाते हैं ना बच्चों की दवाई दवुई लेने, तो उसको पता चल गया कौन सा बच्चा ज़्यादा शोर करता कौन सा नहीं। ये स्नैन जैसे भी जाता है ना बहुत मजाक बनाते हैं वो भी इसका, क्या आप इतने बड़े और कैसे रोते हो। ये देखें जी, मैंने मिर्चें साफ के लिए साफ कर ली हैं, धो ली हैं, इनकी जो सी आँ थी डंडियाँ वो भी उतार दी हैं और धो ली हैं। अब इसको मैं डाल दूंगी पानी में और साग मैंने भी धोना है, ये बाथू भी है इसमें और साग भी है नीचे, तो ये भी मैं धो के डालूंगी। ये देखें जी, मैंने पानी रख दिया, थोड़ा सा गर्म हो रहा है, फिर मैं साग भी धो के डालूंगी इसमें। ये देखें जी, मैं तो समझ रही थी सो गई है, ये बंदरी अभी तक जाग रही है। वैसे ही है जैसा छोड़ा था आपने, हाँ हम वैसे ही हैं। तो इसने अपना कंबल गिल्ला कर दिया, तो ऊपर पानी गिरा दिया, तो आज मैंने इसको इस कपड़े में लपेट दिया, फिर मैंने कहा चला जिसी में सो जा, तो इसीलिए ये अभी तक सो नहीं रही, मैं तो समझ रही थी सो गई है। आप लोग कहते हैं हम भी ठीक है, तो आप लोग अल्लाह ताला के ही जुबानी होंगे, तो नाज़िम मैं आप तुमको ना सुनाती है, एक तो मैं सुनाती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله
सद के में आका दूर जहां का दीन मिला मेरी मुट्ठी में है क्या पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्ला। अगर आपको मेरी नात अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब और लाइक और घंटी के आइकन को प्रेस कर दिया करें क्योंकि ये जरूरी होता है ना। इसको आती नहीं है नात सही, इसको मैं कहती हूँ कि तुझे सही नहीं आती नात सही तरीके से पढ़ा कर, तो ये कहती है मुझे जैसे मेरा दिल करेगा मैं वैसे ही पढ़ूंगी, जैसे मुझे आती है मैं वैसे पढ़ूंगी, ये किसी की सुनती नहीं है, जैसे आती है ये वैसे पढ़ती है। तो अभी भी इसने ये सही नात नहीं पढ़ी है और अपने तरीके से पढ़ी है बस। अच्छा चलो ठीक है जा और अब मेरी बारी। चला नात सुना जोर से बोल। नहीं नहीं नीचे नहीं इधर ही लेटी भी सुना। ताए मतीना अभी मैंने बनी है पढ़। ताए मतीना ये मुंह में क्या डाला वा ये लेट 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 फेंक इसको लेटी रह बाहर नहीं निकलना। ताए मतीना अभी मैंने बनी पढ़। ताए मतीना अभी भी तो बन नहीं करने अभी मैं ना सुनी। अच्छा पढ़। ताए मतीना वो हसबी रब्बी वाली सुनाई। रब्बी नहीं हसबी रब्बी आपको आती है। हाँ आप सुनाओ आपको कैसे आती है मुझे आपसे आप पढ़ती थी ना मुझे आगे पहले आते पढ़ती हूँ। ताए मतीना पढ़ेगी कि मैं बंद कर दूं? नहीं तो फिर कर पढ़ ये पापा बोल के आया था। अच्छा मुझे बता आपका नाम क्या है? मेरा लिया ताया। और आपके पापा का नाम क्या है? पापा है। पापा का नाम क्या है? मेरा बहन है। बहन है? पापा का नाम क्या है? पापा का नाम उम्मीद बहन है। नाम नहीं बताना चल मैं स्टॉप कर रही हूँ। चल फिर बता। नहीं पापा का नाम पूछ रही हूँ। नहीं नहीं आता। अच्छा आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई के नाम मुझे पता नहीं। इसको ना पता नहीं है अम्मी अभी छोटी है। अम्मी गले में इधर भी तो कोई इधर कह रही मेरी वीडियो बनाओ बना रही। चलो पढ़ो नाद चलो सबको बताओ मेरी हैप्पी बर्थडे है 21 को। ये मेरी हैप्पी बर्थडे। हाँ ऐसे वाली हैप्पी बर्थडे है तुम की है मेरी। क्या लोगी आप? मैं हैप्पी बर्थडे वाली लोगी। ये देखे जी ये कह रही मैं झूले में बस मेरी वीडियो बनाओ और ना बनाओ बस। और ये इसको देखे जुमे पड़ गई है अभी नाते पा रही थी अभी जुमे पड़ गई है इसके सर में। इधर देखी इधर ऊपर देखी दुआ ऊपर देखी ना देख। और ये हया बैठी है हया ने भी नात सुनाई है। आती जाती नहीं है इनको बस जैसी आई वैसी पढ़ लेती हैं। आपने अपने मोबाइल से बनानी थी। हसबी रब्बी वाली सुनाना। किसको चुप करवाऊं? हया चुप हो जा। अच्छा इधर बाहर आ एक बात बता मुझे। तो अच्छा जी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें मामा और जी। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो मुझे और कौन करेगा ठीक है। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। आपको नाच सुनाए। चलो जी इसकी नाच सुन ले आप लोग ठीक है। चलो दुपट्टा लेके दुपट्टा पहन के इनको नात आती नहीं है बस जितनी आती है ये उसको पढ़ती रहती है बार बार पढ़ती है। तो आप लोगों को सुनाती है जितनी उनको आती है वो उतनी सुनाएंगी ठीक है।
ये देखे जी, अब मैंने इसको निकाल दिया, कह रही मैंने बाहर निकल के बातें करनी है। हाँ ना ही मदीना, इधर इधर ही बैठी रह। आपका नाम क्या है? ये दुपट्टा नीचे करो। आपका नाम क्या है? मुझे कमी देते हो। अच्छा मुझे बताओ। मैंने खेना अभी नाथ ओपी बनी। क्या? अभी नाथ ओपी बनी थी। आपको मेकअप करना आता है? आता है। कहाँ है? मैं बहू। साग मैंने काट लिया है। मैं निकला ये झूले में से बाहर। तो अब मैं बैठी हूँ, आके साग रख दिया मैंने चूल्हे पे पकने के लिए। मैंने कहा चलो वो राम राम से पक जाएगा, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि साग इतनी जल्दी नहीं पकता, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया उसके हाल पे। साग को मैंने कहा खुद ही पक जाए, जब भी पकना हो, शाम तक तो पक ही जाएगा, तो हम खा ही लेंगे। ठीक हो गया अली? हाँ बुरी बात है, इसलिए मैं इसको ना सुलाती हूँ। आप ये देखें, ये शीशा टूटा हुआ अपने मुँह में डाल रही है और ये लग भी सकता है मुंह में। उधर रख क्या, फिर मैं झूले में डालू। और ये बैठी है अलीहा। इधर इधर ही बैठना, इधर ही रहने दे। ये कह रही जी मेरे हाथ में दे दो मोबाइल, तो मैं खुद ही बनाऊंगी वीडियो, तो जो कि मैं इसको नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल। अगर ये भी इसने शहीद कर दिया तो बस मैं अपने व्लॉग बनाने से भी जाऊंगी, इसलिए मैं इसको नहीं देती हूँ। उनके लिए सस्ते होंगे, हमारे लिए महंगे ही है। ठीक है, और ये लिहा का आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मोबाइल, वो भी अपनी वीडियो बना रही है। ये मुझे देख देख के ना, ये इन्होंने भी अपना वो बना लिया, एक मोबाइल बना के तो ये वीडियो बनाती रहती है। जब इसका पापा आता है तो उसको भी कहती है कि जी चलो पापा जी आप ऐसी एक्टिंग करो तो मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। ये तीनों बहन भाई टिकटॉक बनाते हैं ना, तो इस वजह से ना ये कहती है कि ना ऐसे आप एक्शन करो, आप ऐसे करो, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। तो ये ऐसी एक्टिंग करती रहती है, सारा दिन इसका यही काम होता है, शाम को भी। और दुआ जो सी है, दुआ भी एक्सपर्ट हो रही है जी बनाने में। तो अब वो कपड़े उठा के खड़ी, मैंने तय करके रखे थे वो उसने खा लिए। दे दे उसको, चुप चुप चुप, मैं वीडियो दे दे उसको। अस्सलाम वालेकुम, मैं दे दे मम्मी अभी तो भाई की। ये ऐसे करते हैं बच्चे तांग जी, क्या करें। अब वो अपनी वीडियो बनाती फिर रही है, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसने मेरे कपड़े पकड़े हुए हैं और ये अपनी वीडियो बनाती फिर रही है। अपनी वीडियो बनाओ लिहा। हाँ आप लोगों को कह रही आप अपनी वीडियो बनाओ, मैं अपनी बनाऊंगी। मैं आपको एक गिफ्ट दिखाऊं, वो भी मेरे हाथ पे है। क्या चीज है? स्टिकरों वाले गंदे काम करती है ये, हमें जरा भी नहीं अच्छे लगते हैं जी। ये स्टिकर हाथों पे लगाती है बबल लेके, ये देखे ये हमें जरा भी नहीं अच्छे लगते। देखें जी सनैन साहब आ गए इंजेक्शन लगवा के, और आज तो कमाल हो गया कि आज को मेरे पास पैसे नहीं वरना मैं चीज बांटती, आज मेरे पास पैसे नहीं वरना मैं चीज बांटती कि आज ये वहां रोया नहीं है इंजेक्शन लगाता हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मुझे आज टीका लगा है, बहुत अच्छा हुआ है आज ये रोया नहीं है टीका लगा है तो। ये देखें जी, ये सनैन को दवाई मिली है, ये पुड़ियों के अंदर दवाई है इसकी, गोलियां हैं वो है, गोलियां हैं इसके अंदर, और कुछ उन्होंने लिख के भी दिया है कि ये मेडिकल स्टोर से लेनी है। दिखाना वो कौन सी लिख के दी है। ये देखें जी, ये लिख के भी दिए उन्होंने गोलियाँ कि ये लेनी है और ये सुबह शाम देनी है, खानी है गोलियाँ। तो ये अभी मेडिकल स्टोर से लेके आएंगे, तो ये भी इसको खिलाएंगे। इसका ज़ख़म ना काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकती वरना मैं दिखा देती। तो
काफ़ी ज़्यादा है, इसके वो रेशा भी हुआ हुआ ज़ख़म है काफ़ी। तो अभी ये दवाई लेंगे तो अल्लाह करे इससे आराम आ जाए, हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। देखें जी, सुनैन का पापा कह रहा था चाय बनाओ, तो मैंने चाय बना ली है और साग मेरा पक चुका है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें जी, साग पीस रहा है, अब पक गया है, अब इसको हम पीस रहे हैं। एक मिनट रुकना, ये वाली चीज़ है, ये इससे हम साग को पीस रहे हैं। और ये देखें आप, सही बारीक हो गया साग, तो अब इसको तड़का लगाएंगे हम। अभी थोड़ा सा और करना है हमने पीसना है। तो अच्छा जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, कल न्यू और फ्रेश व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।